रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पुतिन साहब से उन्होंने अपने स्टूडेंट की सेफ इवैक्यूएशन को लेकर बोला है कि इनको जल्दी से जल्दी किया जाए। ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए और प्रधानमंत्री जी सही किया है इसमें कि उन्होंने रशियन प्रेसिडेंट से बात कर रहे हैं, यूक्रेनियन फॉरेन मिनिस्ट्री से भी बात चल रही है और बाकी की जो बाउंड्री नेशंस हैं उससे भी बातचीत संपर्क में लगे हुए हैं। पर सबसे गंभीर बात यह है कि जिस तरीके से हमारे बच्चों के साथ व्यवहार हो रहा है वहाँ पर, उनके लिए कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं मिल रहा है, ट्रेन में देख रहे हैं कि रेशियल कमेंट्स किए जा रहे हैं, उनको एंट्री नहीं दी जा रही है और वो मीलों तक चले आ रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरा एक विषय यह है कि यूएनजीए मतलब एक तरह से अब्सटेन करते हुए उन्होंने बोला है कि वोटिंग रशिया के खिलाफ वोटिंग से भारत ने फिर देखिए, इतनी दुखद बात है ये कि अब अगर हम अपने साउथ एशिया में देखें, आज हम लोग इंडिया, चाइना और पाकिस्तान एक ही तरफ खड़े हैं रशिया को के लिए न्यूट्रल रहने के लिए। एक्ट ऑफ वॉर में जहाँ पे किसी एक देश की सॉवरेनिटी, उसकी एक डेमोक्रेटिक नेशन की सॉवरेनिटी पे अटैक हुआ है, लाखों की तादाद में लोग वहाँ से भाग रहे हैं और जो प्रिंसिपल्स हमारे नॉन वायलेंस के हैं, हम न्यूट्रल रहकर एज अ स्ट्रॉन्ग नेशन कहीं ना कहीं अपने आप को कमज़ोर कर रहे हैं।